कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है, समाजवादी पार्टी ने इसे वचन पत्र कहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने इसे नाम दिया है उन्नति विधान। उसके लिए हमने भर्ती विधान में ऑलरेडी बोला था कि हम किस तरह की सुविधाएं देंगे, जैसे उनको लोन मिलेगा 1% ब्याज पे, और किस तरह से हम उन क्लस्टर्स को डेवलप करेंगे ताकि उन क्लस्टर्स में जितनी भी सुविधाएं हैं इंडस्ट्री के लिए वो मिले और पूरी तरह से इन छोटे व्यापारियों की मदद हो। श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है कि आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कई चरणों में किया जाएगा, सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो ये हमारे इस उन्नति विधान में है कि हम आउटसोर्सिंग बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आस्ते आस्ते एक एक करके कुछ चरणों में जितने भी आउटसोर्स्ड हैं और अभी संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण हो। नियमितीकरण से उनका जो मानदेय है वो सम्मानजनक बन जाएगा और अन्य सुविधाएं अन्य सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। रसोईया का जो मानदेय है उसको हम 5,000 रुपये तक प्रति माह बढ़ाना चाहते हैं। जहां तक शहरी विकास की बात है, झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार दिया जाएगा, झुग्गी वाली जमीन आपके नाम की जाएगी और मध्यम वर्ग को किफायती आवास के लिए भूमि को और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए दो जो मुख्य बिंदु हैं, हालांकि इसमें शहरी विकास, ग्रामीण विकास, मिडिल क्लास के लिए और बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय अभी नहीं लेना चाहती। जो मुख्य बिंदु हैं ग्रामीण विकास में, ग्राम प्रधान का वेतन हम 6,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना चाहते हैं और चौकीदारों का वेतन 5,000 रुपये प्रति माह तक। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बजट में पैसा एलोकेट किया जाता है वो काफ़ी कम है उत्तर प्रदेश में, हम इसको 5% बढ़ाना चाहते हैं। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50,00,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। शिक्षा में, स्कूल फीस में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट व अन्य सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए जाएंगे। शिक्षकों के खाली कुल 2,00,000 पदों को भरा जाएगा। एडहॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्र को, ये प्लीज़ ध्यान से सुनिए, एडहॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का अनुभव व सेवा अनुसार नियमितीकरण किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिमांड था और शिक्षा मित्रों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली, बहुत सारी शिक्षा मित्रों से मिली, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़े, कि उनका नियमितीकरण किया जाए। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हमने आपकी आवाज़ सुनी और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम आपके लिए करके दिखाएंगे। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के खाली पद जो हैं वो भी भरे जाएंगे। सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अति पिछड़ों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का सब कोटा बनाया जाएगा। निषादों को नदियों से संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। अति पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल्स जैसे लक्षित कार्यक्रम इस उन्नति विधान में हैं। कारीगरों व बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट। मैं तो चाहती हूँ कि आप मीडिया के लिए भी एक आरक्षित सीट होनी चाहिए इसमें। थैंक यू मैम। मीडिया ने पूछा ना, कोल समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन। मैं झांसी गई थी, उस समय मुझसे कुछ लोग मिले थे
और उन्होंने मुझे कहा था कि उनका पेंशन बहुत ही कम है, कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना चाहिए। तो उनकी बात सुनते हुए मैंने सबसे बात की, चर्चा की और ये हमने तय किया कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और हम इसको करेंगे। तो मैं आपको खास बताना चाहती हूँ जो मुझसे मिले थे कि ये आपकी मांग हमने इस घोषणा पत्र में डाली है। महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग की अनुमति, बहुत सारे सारी महिला पुलिस कर्मियों से मैं इत्तेफाक से मिली हूँ, कुछ कई लोगों ने मुझे हिरासत में लिया, उस समय बातचीत करने की का मौका मिला और पता चला कि किसी का घर नोएडा में है, पोस्टिंग सीतापुर में है, माँ अकेली नोएडा में है और उनको सीतापुर आना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए और मेरी बहनें हैं, उनकी मदद के लिए हमने सोचा कि अच्छा रहेगा कि उनके घर के ही एरिया में उनकी पोस्टिंग हो। पूर्व सैनिकों के लिए एक विधान परिषद की सीट और सच्चाई को लिखने वाले और दिखाने वाले जो पत्रकार हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं उन सब मुकदमों को हम खत्म करेंगे। तो आपको स्वतंत्रता मिलेगी जो आज आपके पास है नहीं। तो ये मुख्य बिंदु है, मैं कहना चाहती हूँ और मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि चुनाव के समय हमें विकास की बात करनी चाहिए, हमें उन मुद्दों को उठाना चाहिए जिससे आपका जीवन बेहतर बने। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं पूछती हूँ, 5 सालों में आपका जीवन बेहतर हुआ, आपको सुविधाएं मिली? और एक जगह नहीं है, एक घर नहीं है, एक परिवार नहीं है जो मुझे इस सवाल के जवाब में हाँ कह सकता है। सब कहते हैं, कई नौजवान हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है राशन मिल गया, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि हम राशन से क्या करेंगे। ठीक है थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी लेकिन हमारी प्रगति कैसे होगी, हम सक्षम कैसे बनेंगे, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे। तो बार बार हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं हम एक सकारात्मक प्रचार करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात हो, आपकी जनता की बात हो, आपके विकास की बात हो। और मैं जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सारे राजनीतिक दलों से विकास पर अपने जो मुद्दे हैं, आपके मोहल्लों में गलियों में नल क्यों नहीं है, सड़कें क्यों नहीं बनी हैं, बिजली क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, शिक्षा की सुविधा क्यों नहीं है, सेहत के लिए क्या सुविधा है, ये सब सवाल आप उठाएं और उनको मजबूर करें कि इन सवालों पे चुनाव लड़ा जाए। तो आशा है कि हमारा जो घोषणा पत्र है इसमें आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान की बात है। आप सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे और वोट डालने के समय भी इस पर आप अपना ध्यान आकर्षित करें। धन्यवाद जी। हम लोग एक एक करके सवाल लेंगे और पहले इसी विषय पर अगर आप सवाल पूछें तो उसका स्वागत हो। एक एक करके लेने दीजिए, हाँ एक एक करके लेंगे। एक मिनट रुक जाइए, पहले इधर अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया इससे आपकी पूरी विकास की धारा इन्वर्ट हो गई है। अच्छा क्यों? अब हिजाब पर बहस चल रही है। अच्छा क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। स्कूल में बिकनी कहां से आ गई प्रियंका? हाँ आप वो शैक्षिक संस्थान की बात है। देखिए आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहां भी जहां भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है। सिंपल। आप पूछिए सवाल, विषय पे सवाल पूछिए तो अच्छा रहेगा। जी देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ से यहाँ टैंकर भेजे हैं। पूछिए सवाल इस विषय पर है।
आपने क्या आपने क्या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की नदियों में आपने लाशें देखी? सर ये बहस का विषय नहीं है, आपको सवाल पूछने का पूर्ण अधिकार है, पूछिए। नहीं सर ऐसे नहीं होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये वाद विवाद आपके साथ नहीं हो रहा है यहाँ पर। इस विषय पर सवाल है आपका? सर ये गलत बात है, आप गलत कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ा सा अनुशासन रखिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, पूछिए आपका सवाल क्या है। देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करती, तो मैं आप उनके आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं कर रही हूँ। हम जो आंकड़े हमारे उन्नति विधान में है वो जो एक्चुअल आंकड़े हैं वही हैं, उन्हीं पर हमने सब बातें की, तो मैं उनकी बात नहीं कर सकती। वो कौन से आंकड़े देते हैं, वो तो कहते हैं कि सब खुशहाल है, वो तो कहते हैं कि बहुत प्रगति हो रही है। मैं घर घर में जाती हूँ और कुछ नहीं है, महंगाई से लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। पूछिए आपका सवाल पीछे, अभी रुक जाइए आप प्लीज, पूछिए सवाल। साथ में बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा एक जनता को। जी जी जी, आपका सवाल छत्तीसगढ़ के बारे में, आप छत्तीसगढ़ जाके पूछ लीजिए। सर ये गलत बात है जो आप कर रहे हैं, इस तरह से पत्रकार वार्ता नहीं होती है, आप अपने साथियों के साथ गलत कर रहे हैं। पूछिए आप अपना सवाल बताइए। जी देखिए, हमने इस पे बहुत चर्चा की क्योंकि इतनी डिमांड आ रही थी कि पुरानी पेंशन पे हमें वापस जाना चाहिए, जो पुरानी स्कीम है। हमने बहुत चर्चा की, हम सोचते हैं कि इसमें एक मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है, जिस तरह से जितना सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब में एक मध्य का रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। इस सवाल एक मिनट रुक जाइए सर, आएंगे अभी आपके पास, पूछिए। जी हमने सबके लिए इसमें लिखा है, आप देख लीजिएगा। हम एक अंतिम सवाल लेंगे, आप पूछिए पूछिए आप पूछिए। इस तरह से नहीं हो सकती प्रेस वार्ता, आप उधर आते ना, आप यहाँ पे उनको पूछिए सवाल, आप पूछिए। महिला सवाल पूछना चाह रही है यहाँ? नहीं, वो पहले खड़े हुए थे, उनको पूछिए, उनके बाद आप पूछिए। आप पूछिए। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह से सवाल का जवाब मिलेगा तो मैं बड़ी हाथ जोड़ के अनुमति देना चाहती हूँ, आपका नहीं मिल सकता। एक एक आदमी पूछिए ना, पूछिए आप। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि गर्मी निकालना, चर्बी निकालना, ये क्यों बातें हो रही हैं? भर्ती निकालिए, खाली पद बढ़े, भर्ती निकालिए। हमने तो पूरा खाका तैयार किया है कि हम भर्ती कैसे निकालेंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।